एनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस को दूसरे राज्य में भी डिमांड। इस महीने 10 दिन बंद रहेगा बैंक। अब खबरें विस्तार से। शत्रुघ्न सिन्हा आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल की मौजूदगी में शत्रुघ्न सिन्हा आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हो गए शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल की मौजूदगी में शत्रुघ्न ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ऐसे कयास लगे जा रहे हैं कि शत्रुघ्न बिहार की पटना साहित्य लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। इससे पहले शत्रुघ्न ने आज ट्वीट कर लिखा कि भारी हृदय और पीड़ा के अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहता हूँ। इसका कारण सभी को पता है। आज पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पार्टी से विदा लेता हूँ। शत्रुघ्न ने आगे लिखा कि मुझे पार्टी के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, वे मेरे परिवार की तरह थे। पार्टी के कुछ वर्तमान सदस्यों और नीतियों के साथ मेरे जो मतभेद हैं, इनके चलते पार्टी छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अब दूसरे राज्य में भी अब लोकप्रियता देखने को मिली है। महाराष्ट्र में तो फडणवीस लोकप्रिय है ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लोकप्रिय होने से समझ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में लोकसभा चुनाव 2019 और उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जाहिर करने में आ रही है। इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस का नाम देखने को मिल रहा है। प्रशंसनीय यह है कि फडणवीस का नाम उस लिस्ट में 10वें नंबर पर आया है। मुंबई बैंक से जुड़ी कोई भी काम हो तो जल्द से जल्द निपटा ले, क्योंकि इस महीने 10 दिन बैंक बंद रहेगी। अप्रैल के महीने में कई छुट्टियां होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इस महीने कई त्योहार है जिसमें वैसाखी, रामनवमी, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती और सरहुल शामिल है। जानकारी के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 21 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। 5 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को बाबू जगजीवन राम जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।